नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है के ए यानी क हो जाएगा, पी ए यानी प हो जाएगा, टी डबल ई है यानी क्या हो जाएगा, टी कपटी, बी ए यानी बा, और जे से क्या हो जाएगा, ज यानी कपटी बाज। ये जो कहानी है दोस्तों, कपटी बाज की कहानी है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? इंग्लिश में। यदि आपको कहीं पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी मिलता है तो कैसे उसको देखते ही हिंदी में पढ़ पाएंगे, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पूरे स्टोरी को दोस्तों इंग्लिश टू हिंदी मैं आपको कन्वर्ट करके सिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, या कहीं पर भी टाइपिंग करके भेज पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ई के, तो ई से ए हो जाएगा, के से क एक, बी ए जे तो हो जाएगा बाज, क्या हो जाएगा, बाज, एक बाज, एक, पी ई डी, देखिए पी ई डी है तो पे, और डी से क्या हो जाएगा, रा, पेड़, के डबल ई यानी की, एक बाज, एक पेड़ की, डी ए यानी डा, एल डबल ई यानी ली। देखिए यहाँ पे डबल ई है ना, अगर आई भी रहता तब भी बड़ी की मात्रा होता, क्योंकि डाली का आप डी ए एल आई भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो बड़ी ई होता है ना, इसका इंग्लिश आप डबल ई तो लिखेंगे ही, आई भी लिख सकते हैं, यानी कहीं पर अगर आई लिखा हो लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में, तो समझ जाना है कि ये बड़ी ई की मात्रा ही यहाँ पर लगने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा डी ए डबल एल ई यानी डाली, पी ए आर यानी पर, डाली पर, आर ए र, एच ए ह, और टी ए ता रहता, टी एच ए यानी था, एक बाज, एक पेड़ की डाली पर रहता था, यू से ऊ, एस डबल ई यानी सी उसी, पी ई डी यानी पेड़ उसी पेड़, के डबल ई यानी की उसी पेड़ की, के एच ओ खो, एच से ह खो उसी पेड़ की खो, एम ई आई एन मे, यहाँ पे एम ई से मे होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है आई एन, यानी कहीं पर ऐसे इस सेंस में होता है, यहाँ पे बिंदी रहता है ना म में, तो आई एन एक साथ लग जाता है, ठीक ना, ये टाइपिंग में ऑटोमेटिक आ जाता है, आप करके देखिएगा, या आपके पास कोई भेजा होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको मैं ही पढ़ेंगे। ई के एक, एल ओ लो, एम आर आई लिखा, यानी एल ओ एम ए आर आई भी लिख सकता था यहाँ पे। ये दोस्तों लिखा लोमड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एल ओ एम ए डी आई भी लिखा जा सकता है, अगर लास्ट में आर आई हो या डी आई हो तो इस सेंस में दोस्तों रा के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक ना, तो आर से भी यहाँ पे रा के रूप में यूज किया गया, यानी लिखा लोमड़ी, आर ए र, एच ए ह, टी डबल यानी रहती, टी एच डबल यानी थी, रहती थी, ई के एक, डी आई एन दिन, एक दिन, जब, जे ए बी जब, एल ओ एम आर आई यानी लोमड़ी, एक दिन जब लोमड़ी, ए से अ, पी ए से प, एन डबल यानी नी अपनी, के एच ओ एच यानी खोह, क्या पढ़ेंगे, खोह, एस ई से, एन आई नी, के ए क, एल डबल ई यानी निकली, एक दिन लोमड़ी जब अपने खो से निकली, टी ओ तो, बी डबल ए जे बाज, देखिए बी ए जे से भी बाज ही होगा और डबल ए है तभी बाज ही होगा, ठीक ना, बाज, यू से ऊ, एस 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 एम ई एन यानी उसमें, जी एच यू एस घुस, जी ए वाई ए गया, तो बाज उसमें घुस गया, ए यू आर और,
घुस गया और ए से अ पी ए से प एन ई से ने अपने बी ए ब सी एच फिर सी एच ओ यानी बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों के ओ को बच्चों को के एच आई खी एल डबल एन ला एन ई ने खिलाने के ई के खिलाने के एल आई ई लिए खिलाने के लिए एल ओ लो एम आर आई यानी लोमड़ी के खिलाने के लिए लोमड़ी के बी ए सी एच फिर सी एच ओ यानी बच्चों लोमड़ी के बच्चों को के ओ को यू से ऊ टी एच ए ठा के ए आर उठाकर एल ई ले जी ए वाई ए गया लोमड़ी के बच्चों को उठाकर ले गया जे ए बी जब एल ओ एम आर आई लोमड़ी जब लोमड़ी एल ए यू यानी लौ टी डबल ई यानी टी लौ टी टी ओ तो यू से ऊ एस एस स एन ई से ने उसने बी ए जे बाज एस ई से बाज से ए एन यू यानी अनु आर ओ रो डी एस ध अनुरोध के आई वाई ए किया कि बाज से अनुरोध किया कि यू से ऊ एस एस स के इस के उसके बी ए ब सी एच फिर सी एच ई यानी बच्चे उसके बच्चे एल ए यू यानी लौ टी एटा लौटा डी ई यानी दें उसके बच्चे लौटा दें बी ए जे बाज जे ए एन ए टी ए जानता टी एच ए यानी था बाज जानता था के आई की एल ओ लो एम ए म डी आई डी लोमड़ी यू एस ए के ई उसके जी एच ओ यानी घू और एन है तो बिंदी लगेगा घू एस एस एल इले घोंसले टी ए के तक एन ए न एच आई एन नहीं पी ए प एच यू हूँ और एन है चंद्रबिंदु सी एच एच पहुँच पी ए पा ई से ए जी डबल ई यानी पाएगी घोंसले तक नहीं पहुँच पाएगी यू एस ए एन ई उसने एल ओ लो एम ए आर आई लोमड़ी के ए एन यू यानी अनु आर ओ रो डी एस द अनुरोध पी ए आर पर के ओ को डबल ई यानी कोई उसने लोमड़ी के अनुरोध पर कोई डी एच यानी आधा ध वाई ए एन यानी यहाँ ध्यान एन ए न एच आई एन यानी नहीं डी आई डी वाई ए आ दिया लोमड़ी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया एल ओ एम आर आई लोमड़ी पी ए एस पास के ई के लोमड़ी पास के ई के एक एम ए एन डी डबल ई आर मंदिर जी ए ग डबल ई गई लोमड़ी पास के एक मंदिर गई ए यू आर और गई और वी ए एच ए एन वहाँ वहाँ से जे ए ज एल ए ल टी डबल ई यानी जलती एच यू से हु डबल ई हुई एल ए के ए डी डबल ई लकड़ी जलती हुई लकड़ी एल ई ले के ए क आर से लेकर
डबल ए से आर और डबल ई से ई आई, यहाँ पे ए आई भी हो सकता था, लेकिन ये दोस्तों सटीक है, सही है। ऐसे काम चलाने के लिए तो हम लोग तेज़ी में कुछ भी टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होगा यू से ऊ एस 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 एन ई से न, उसने पी ई डी पेड़ के एन डबल ई नी सी एच ई नीचे डबल ए जी आग एल ए जी ए लगा डी डबल ई दी, उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी डबल ए जी आग के डबल ई की आग की जी ए आर एम डबल ई यानी गर्मी आग की गर्मी ए यू आर और डी एच यू यानी धू ई से ए और एन है तो यहाँ पे चंद्रबिंदु धुएँ से बी डबल ए जी बाज डी ए आर डर जी ए वाई गया, आग की गर्मी और धुएं से बाज जो है डर गया, ए पी ए एन ई अपने बी ए सी एच फिर सी एच ओ एन यानी बच्चों, अपने बच्चों जो वर्ड दोस्तों ऊपर मिल गया है समझिए कि दोबारा रिपीट होता है तो डायरेक्ट उसको पढ़ना है, बच्चों के डबल ई की जे डबल ए एन जान बी ए बॉस सी एच डबल ए एन चा एन एन बचाने के ई के एल आई ई लिए भी ए एच वह, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह जे ए एल डी डबल ई यानी जल्दी, क्या लिखा है दोस्तों जल्दी से एल ओ लो एम आर आई यानी लोमड़ी के पी डबल ए एस पास डबल ए वाई ए आया ए यू आर और यू एस ए के ई उसके बी ए ब सी एच फिर सी एच ई बच्चे एल ए यू लौट टी एटा लौटा डी आई ई दिए और उसके बच्चे लौटा दिए एन आई आर डी ए वाई डबल ई निर्दयी, क्या पढ़ेंगे निर्दयी क्योंकि आर के बाद ए नहीं है तो रेफ की मात्रा हो जाएगा, निर्दयी वी वाई ए के टी आई व्यक्ति, क्या पढ़ेंगे व्यक्ति जे आई जी एन ए न के ए का जिनका डी ए एम ए एन दामन, जिसका दामन के ए आर ए टी करता है एच ए आई है यू एन ए एस ई उनसे यू एस ई उसे एच ए एम ई एस एच ए हमेशा हमेशा के एच ए ख टी ए तो आर ए खतरा आर ए एच ए टी रहता है यानी निर्दयी व्यक्ति जिसका दमन करता है उससे हमेशा क्या होता है खतरा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस कहानी में कपटी बाज की कहानी जो था पूरे कहानी को इंग्लिश टू हिंदी एक एक वर्ड को मैं आपको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके पढ़ना सिखाया हूँ। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।